बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर फहीम आपका दोस्त आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मुमताज मुफ्ती का अफसाना आपा है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा अफसाना है और इसकी रीज़न ये है कि आपा में मुमताज मुफ्ती ने माशरे के बदलते हुए रवैयों की बहुत ज़बरदस्त अक्कासी की है। मुमताज मुफ्ती खुद इस अफसाने के बारे में कहते हैं कि जब ये मैंने अफसाना लिखा तो लोग मुझसे पूछते थे कि ये बाजी का करदार कहाँ पाया जाता है, और अब रवैये इतने बदल गए हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपा का करदार कहाँ पाया जाता है। बज़ाहिर इस अफसाने में दो करदारों का मुवाजना किया गया है, एक मॉडर्न खातून है और एक जो है सीधी सादी घरेलू खतून है, लेकिन मुमताज मुफ्ती साहब ने इस अफसाने में एक और पैगाम भी दिया है कि घर और फैमिली को मजबूत करने के लिए किन रवैयों की ज़रूरत है। औरत को आज़ादी देने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर लें। हाँ जी, औरत को हमने रिस्पेक्ट भी देनी है, हमने इक्वालिटी की बात नहीं करनी, हमने इक्विटी की बात करनी है। हमने औरत को हर वो हकूक देना है जिससे उसकी सलाहियत, हिम्मत, ताकत बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हर माशरे का वो करदार और वो रवैया जो औरत के ऊपर जुल्म करता है उसकी हम ज़रूर निशानदेही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन माशरती रवैयों को दोबारा हमें रिवाइव करना होगा जिनसे फैमिली बॉन्ड मजबूत हो। यही मुमताज मुफ्ती का पैगाम है इस अफसाने में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।